भिवानी परिवार मैत्री संघ के इस कार्यक्रम पुस्तक प्रभात में मैं सोमवीर आर्य आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज बातचीत करेंगे एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जो महाभारत के ऊपर आधारित है, और जो पुस्तक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पुस्तक का नाम है कर्णभारम। संस्कृत में नाटकों की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, उसी परंपरा के अंतर्गत महाकवि भास का नाम आता है जिन्होंने 13 नाटकों की रचना की है। तो कर्णभारम जो है वो एकांकी नाटक है, इसका केवल एक ही अंक है, ये मुश्किल से 30-40 पृष्ठ की पुस्तक है। और इस पुस्तक में महाभारत के एक बहुत बड़े पात्र जिनकी कहानियां आज भी हिंदुस्तान के अनेक घरों में आपको सुनने को मिल जाएंगी, दानवीरता की, मित्रता की, समर्पण की, संघर्ष की, दानवीर कर्ण के जो शल्य के साथ में और इंद्र के साथ में जो संवाद है उसका नाटक शैली में वर्णन देखने को मिलता है। और भास ने बहुत अच्छे तरीके से इस नाटक में तत्कालीन परिस्थितियों के भावों को पिरोने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। शुरुआत होती है कि एक दूत आकर के सूचना देता है कि युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान पूरे तरीके से सज चुका है, और अंगराज कर्ण को संदेश आया है दुर्योधन का कि वो युद्ध के लिए तैयार होकर के निकलें, और युद्ध के लिए तैयार होकर के अपने सारथी शल्य के साथ में कर्ण निकलते हैं। और शल्य को एक बात कहते हैं कि शल्य, युद्ध के अंदर व्यक्ति अगर युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, तो वह स्वर्ग में जाता है, और युद्ध करते करते अगर वह जीत जाता है तो यश का भागी बनता है। तो युद्ध में निरर्थक कुछ नहीं होता, यानी कि समाज में स्वर्ग की भी प्रतिष्ठा है और यश की भी प्रतिष्ठा है, तो युद्ध में कुल मिलाकर के व्यक्ति दोनों ही परिस्थितियों में फायदे में रहता है। इस तरीके से धीरे धीरे नाटक आगे बढ़ता है, और उसके बाद इंद्र आते हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके, और नेपथ्य से एक आवाज आती है भिक्षाम देही, और वो कर्ण के सामने आकर के कहते हैं कि कर्ण मैं तुमसे कोई बहुत बड़ा दान मांगने के लिए आया हूं। तो कर्ण ब्राह्मण समझ करके देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं आपको हजारों गोवें देने के लिए तैयार हूं जो अमृत के समान दूध देने वाली हैं, जिनके सींगों के ऊपर सोना मंढा हुआ है, जो बिल्कुल जवान अवस्था की गायें हैं, मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूं। तो इंद्र कहते हैं कि नहीं, मुझे गायें नहीं चाहिए, क्योंकि एक सीमित समय तक मैं उनका दूध दुग्ध पान कर पाऊंगा। उसके बाद कर्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको गायें नहीं चाहिए तो मैं आपको उत्तम नस्ल के हजारों काबुली घोड़े दान में देता हूं, जो उत्तम नस्ल के हैं, सूर्य के घोड़ों के समान जिनकी गति है, वह घोड़े मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो इंद्र कहते हैं कि नहीं, उनकी सवारी मैं एक सीमित समय तक कर पाऊंगा, मुझे घोड़े भी नहीं चाहिए। उसके बाद एक प्रस्ताव और रखते हैं कर्ण, वो कहते हैं कि मैं आपको गंडस्थल से जिनके मद टपक रहा है, जो बिल्कुल जवान अवस्था में है, जिनका सामर्थ्य और जिनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो अगर दीवार को भी धक्का दे दें तो उसको गिराने की काबिलियत रखते हैं, हाथियों की एक बहुत बड़ी तादाद आपको दान में देता हूं। तो वो कहते हैं कि हाथी की सवारी भी मैं एक सीमित समय तक कर पाऊंगा। तो उसके बाद इंद्र से कर्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो मैं अपना सर काट करके थाली में सजा करके आपको देने के लिए तैयार हूं। तो इंद्र कहते हैं कि नहीं, मुझे आपका सर नहीं चाहिए। उसके बाद कर्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा सर नहीं चाहिए तो जब मेरा जन्म हुआ था तो तब से मुझे कवच और कुंडल मिले हुए हैं जो मेरे शरीर के साथ में है, और कोई भी व्यक्ति जब तक मेरे कवच और कुंडल मेरे पास में है मेरा वध नहीं कर सकता। आमतौर पर ये मेरे जीवन की रक्षा के लिए है, और जब तक ये मेरे साथ हैं तब तक मैं अवध्य हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दान दे करके, कवच कुंडल भी दान दे करके मैं आपको तृप्त कर सकूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इंद्र को यही चाहिए था, यही प्लान बना करके इंद्र आए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे अपने कवच और कुंडल दे दो, ये मुझे स्वीकार्य है।
और जब वो देने वाले थे तो उससे पहले सल्ले जो उनके सारथी थे उन्होंने कहा कि अंगराज अपने कवच और कुंडल मत दीजिए ब्राह्मण देव को, ये सही नहीं है। तो उसके बाद इस पुस्तक में एक श्लोक है जो मैं समझता हूं कि मुझे बहुत पसंद है भास का ये श्लोक, और वो कहते हैं कि सल्ले से कहते हैं कि सल्ले शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याद। मनुष्य अपनी मेहनत से अपने पुरुषार्थ से, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में वर्तमान परिदृश्य में अगर हम शिक्षा की बात करें तो वो व्यक्ति के हिसाब से तय होती है। आप अगर अच्छे परिवार में पैदा होते हैं तो 12th करते करते आपको 25 से 30 लाख रुपया खर्च करना पड़ जाता है, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए तो स्कूलों की फीस होती है जिस महंगे स्कूल में आप पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति कितने भी सामर्थ्य से, कितने भी लगन और निष्ठा के साथ में, कितना भी ज्ञान क्यों न अर्जित कर ले सल्ले, एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति के संपूर्ण सामर्थ्य से अर्जित किया गया उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं शुभद्ध मूला निपतंति पादपा, वृक्ष जमीन के भीतर अपनी चाहे कितनी भी जड़ें गहरी क्यों न बना ले, लेकिन आंधी का एक पुरजोर झोंका अगर अपने के ऊपर आ जाए तो उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का सामर्थ्य रखता है। और उसके बाद कहते हैं कि जलम जलस्थान गतम चुष्यति, गर्मी में तो तालाब का पानी चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो सल्ले, एक दिन वो भी सूख जाता है। और उसके बाद कर्ण अपने संघर्ष का, अपने जीवन का, अपने अनुभव का एक निचोड़ सल्ले के सामने रखते हैं, और वो कहते हैं कि हुतम च दत्तम तथैव तिष्ठति, पूरी श्रद्धा के साथ में, तन्मयता के साथ में, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो आहुतियां यज्ञ के अंदर प्रदान की जाती हैं वो आहुतियां और श्रद्धा पूर्वक सत्पात्र को दिया गया दान कभी नष्ट नहीं होता सल्ले। वो जन्म जन्मांतर में व्यक्ति का यश बन करके, उसकी कीर्ति बन करके उसके साथ में भ्रमण करता है, गति करता है। ये बात कर्ण सल्ले से कहते हैं। और अपने जो सबसे शरीर का अभिन्न हिस्सा था कवच और कुंडल, वो खुशी खुशी दान कर देते हैं इंद्र को। उसके बाद शल्य कहते हैं कि तुम ठग लिए गए हो अंगराज। तो उसके बाद तुम जानते नहीं हो कि तुमसे जो दान मांगने के लिए व्यक्ति आया था वो कोई ब्राह्मण देवता नहीं था, वो इंद्र थे। तो फिर मुस्कुराते हैं कर्ण, और कर्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शल्य तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था, मैं जानता हूं कि इंद्र था, लेकिन मेरे जैसे साधारण परिस्थितियों में पैदा हुए, संघर्ष करके आगे बढ़े, अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना रास्ता बनाने वाले एक सामान्य से परिस्थितियों से निकले नौजवान के लिए ऐरावत हाथी को चलाने वाले इंद्र को दान देकर के तृप्त करना वास्तव में बड़ी बात है। इससे बढ़कर के बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। एक घटना का और वर्णन है इसमें, और वो घटना है जब वो आचार्य द्रोणाचार्य के दरवाजे पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, और एक कहानी सल्ले को ही सुना रहे होते हैं। कह रहे हैं कि सल्ले मैं वहां पर ज्ञानार्जन के लिए गुरु के दरवाजे पर गया था, तो उन्होंने पहला जो वाक्य बोला वो यही बोला कि मैं क्षत्रियों को जो है विद्या नहीं सिखाता हूँ, युद्ध विद्या नहीं सिखाता हूँ। तो उसके बाद सल्ले कहते हैं कि हाँ उनके बारे में सर्वविदित है कि वो क्षत्रियों से रुष्ट रहते हैं अंगराज। तो उसके बाद कर्ण कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, उन्होंने मुझे विद्या अध्ययन करवाया। आचार्य के साथ में एक बार मैं वन में भ्रमण कर रहा था, क्योंकि यज्ञ के लिए संविधाएं इकट्ठी की जानी थी, और उस समय दोपहर का समय हो गया था। आचार्य एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, मैं उनके पास में बैठा था, और उन्होंने अपना जो सर है वो मेरी गोद में रखा हुआ था, लेकिन अचानक से एक वज्रमुख नाम का जहरीला कीट मेरे पास आया सल्ले। उसने मेरे पैर को काटना शुरू कर दिया, और वो काट करके जंघा से भीतर घुसने लगा, रक्त लगातार बह रहा था, लेकिन गुरुजी गहरी नींद में थे, और मैंने सोचा कि अगर मैं जरा सा भी हल्का सा भी हिला तो गुरुजी की निद्रा भंग हो जाएगी। मैं उस दर्द को सहन करता रहा, लेकिन जैसे ही कुछ समय के पश्चात गुरुजी की आंखें खुली तो उन्होंने अपने आसपास गीला महसूस किया, क्योंकि मेरा काफी रक्त बह चुका था। और जब उन्होंने अपने हाथ में रक्त को लगा करके देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या था। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक कीट मुझे काटते हुए अंदर घुस रहा था, लेकिन आपकी निद्रा भंग न हो जाए इसलिए मैंने उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया।
तो उसके बाद उनको मेरी हकीकत ज्ञात हो गई, क्योंकि वो जानते थे कि सहनशीलता मेरी क्षत्रिय वाली है। और उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जिस समय तुम्हें मेरे शस्त्रों की, मेरे ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तुम इसे विस्मृत कर दोगे कर्ण। तो ये दो घटनाएं इसमें हैं और उसका बहुत अच्छे तरीके से वर्णन भी किया गया है। तो कुल मिलाकर के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है परोपकार, उसके प्रति कर्ण भारम समर्पित है। कर्ण को लोग आज जानते हैं उनकी दानवीरता की वजह से, सबसे ज्यादा जानते हैं। महाभारत में बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जिन पात्रों के नाम पर, खास करके कौरव पक्ष के लोग, आजकल व्यक्ति अपनी संतानों का नाम उनके नाम पर रखना पसंद नहीं करता, लेकिन कर्ण जो नाम है वो आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, क्योंकि कर्ण अपने गुणों की वजह से अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। उनकी जो विनम्र स्वभाव था, सामने वाले व्यक्ति को सुनने का स्वभाव था, उनका जो संघर्ष था, जिस तरीके से वो निकले, और उसके बाद जो उनकी दानशीलता थी, जिसके भगवान श्री कृष्ण भी बहुत बड़े प्रशंसक थे, और अर्जुन को इस वजह से दिक्कत भी हुआ करती थी कि कर्ण की तारीफ कृष्ण बहुत हुआ किया करते थे और उनकी योग्यता की वजह से करते थे, तो अर्जुन को चिढ़ होती थी कि ऐसा क्या है कर्ण में कि आप कर्ण को बहुत ज्यादा अलग मानते हैं। तो कृष्ण एक बात कहते थे कि कर्ण जो है वो किसी वस्तु के साथ में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ संबंध नहीं रखता है, वो त्यागपूर्वक चीजों को देखना शुरू करता है। और मैं समझता हूं कि जीवन का सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, लेकिन त्यागपूर्वक जीना चाहिए, समर्पण भाव के साथ में जीना चाहिए। किसी भी चीज को पकड़ करके रखना और उसको खुद के साथ में पूरे तरीके से बांध देना गलत है, वह वस्तु ही आपके लिए दुख का कारण बन जाएगी। तो कर्णभारम एक बहुत अच्छा एकांकी नाटक है जो आपको कर्ण से परिचित करवाता है, कर्ण का जो सोचने का तरीका है, समाज के प्रति जो कर्ण का दृष्टिकोण है, गौ सेवा के प्रति जो कर्ण का दृष्टिकोण है, और उस समय की जो समृद्ध परंपरा थी कि किस तरीके से गौ के सींगों के ऊपर सोना मंडा हुआ हुआ करता था, उस प्राचीन परंपरा के दर्शन भी आपको इस एकांकी नाटक में होते हैं। बहुत छोटा सा है, बहुत सारगर्भित है, मूलतः ये संस्कृत में है, लेकिन जब आप किसी भी प्रकाशन से ये सामान्यतः चोखंबा प्रकाशन के ऊपर, चोखंबा संस्कृत का प्रकाशन है दिल्ली में, उनके एक दो उनकी दुकानें हैं वहां पर भी ये बहुत आसानी के साथ में मिल जाता है, और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप कर्ण भारम पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि दानशीलता, यज्ञ, संस्कार जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हमारे मूलभूत जो संस्कृति के प्रतिरूप हैं, उनका कितना ज्यादा जीवन में महत्व है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।